अच्छा सर, जैसे हमने ट्रांजैक्शंस देखी थी बिटवीन पेरेंट एंड सब्सिडरी, अब हमें ये देखना है कि भाई अगर पेरेंट एसोसिएट को कोई गुड्स बेचे या एसोसिएट पेरेंट एंटिटी को कोई गुड्स बेचे तो उसकी अकाउंटिंग एडजस्टमेंट किस तरीके से होगी। पर अगेन आपको ये बहुत सुकून और तामुल से सीखना होगा, क्योंकि अगर आपने ये मिस आउट किया तो ऐसा हो नहीं सकता कि कंसोलिडेशन का विद एसोसिएट सवाल आए और उसके अंदर ये एडजस्टमेंट्स ना पाई जाएँ। तो फोकस होकर देखिएगा, उससे पहले कि हम पेरेंट और एसोसिएट की आपस की ट्रांजैक्शन को समझें, उससे पहले मुझे आपको रीकैप देना होगा बिटवीन पेरेंट एंड सब्सिडी वाली एडजस्टमेंट। ऑल्दो हम उसको मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं, बट यहाँ पे उसको करना इसलिए लाजमी है ताकि आप कंपैरिजन कर सकें। बहुत सुकून से देखिएगा, मैंने कहा भाई पेरेंट एंटिटी ने गुड्स परचेज किए 100 रुपये के, सही है जी। तो मैंने कहा ₹100 के वो ग्रुप के अंदर एंटर हुए, जो हम यूजुअली एक एग्जाम्पल बना के आए हैं, चाहे हमने आपको बैलेंस शीट सिखाई हो चाहे वो PNL सिखाई हो। पेरेंट एंटिटी ने क्या किया, ये उठा के सेल्स कर दी 150 की, सही जी, ये उठा के सेल्स कर दी 150 की, और इसने COGS में चार्ज कर दी 100। अच्छा, तो पेरेंट एंटिटी ने बच्चों प्रॉफिट कितने का कमा लिया, 50 का। अच्छा, अब सब्सिडी ने क्या एंट्री बनाई होगी, इन्वेंट्री डेबिट, सही है, और ट्रेड पेएबल क्रेडिट, कितने से भाई, 150 से। ये तो नॉर्मल हालात वाकियात हैं जो हमने सीखे हुए थे। अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछूं, क्योंकि आप इतने चैंप हो चुके हैं कि आपको ये बातें समझ आती हैं कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना है, तो सर आप कहेंगे कि अगर 1 रुपये की इन्वेंट्री भी सब्सिडी की किताबों से बाहर नहीं बिकी है तो मेरा अनरियलाइज प्रॉफिट इज 100%। यानी जो पेरेंट ने सब्सिडी को माल बेचा उस पर जो 50 रुपये का प्रॉफिट है अभी भी ग्रुप के अंदर ही है, ग्रुप के बाहर गया ही नहीं है। तो हम क्या किया करते थे, बात समझिएगा, हम क्या किया करते थे कि भाई हम एक एंट्री बनाते थे ग्रुप रिजर्व डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, कितने से, 50 से, 50 से पार्क करते थे। अच्छा, अब ये 50 से पार्क करने की लॉजिक को मैं जरा रिकॉल करता हूँ ताकि आप एक पेज पे आ जाएं। भाई यहाँ पे 100% अनरियलाइज का मतलब ये कि कंसोलिडेशन 100% होती है। यानी आप इस बात को अगर एक फ्रेमवर्क के तहत समझें, एक पिक्चर बनाएं दिमाग के अंदर कि एक आप जब कंसोलिडेशन कर रहे हैं तो उसकी पूरी इन्वेंट्री उड़ के आपके पास आ रही है। यानी अगर ये 50 के अनरियलाइज प्रॉफिट की बात करूँ तो क्या ये 100 रुपये वाली चीज़ 150 की सब्सिडी की बुक्स में मौजूद है, और जब आप कंसोलिडेट कर रहे हैं तो 100% प्रॉफिट उड़ के वापस ग्रुप में आ रहे हैं। 100% प्रॉफिट का मतलब है 100% अनरियलाइज, तो आप पूरा 50 का 50 एलिमिनेट कर रहे थे। बट इफ वी टॉक अबाउट पेरेंट एंड एसोसिएट रिलेशनशिप, तो आए देखते उसमें क्या फर्क आ जाएगा। मैंने कहा कि भाई यहां पर हमने कहा कि भाई पेरेंट एंटिटी ने यही हरकत की, 50 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया। अब एसोसिएट ने क्या किया, एसोसिएट ने किया ये कि एसोसिएट ने, पहले इसको हम सही कर लें, एसोसिएट ने बच्चों किया ये कि इन्वेंट्री डेबिट की 150 की और ट्रेड पेएबल क्रेडिट किया। अब मेरा आपसे एक मासूमाना सवाल है, जब आप ये एसोसिएट की अकाउंटिंग कर रहे थे तो मैं आपसे पहला सवाल ये पूछता हूँ, क्या एसोसिएट का पूरा बैलेंस आपके पास कंसोलिडेट होके आता है या जितनी आपकी होल्डिंग है? तो अगर मैं ये कहूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये यहाँ पे टेक्निकलिटी यहीं पे ही है, बस इसके बाद तो ये आसान है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि पेरेंट एंटिटी एसोसिएट के अंदर जो ओनरशिप करके बैठा हुआ है, वो ओनरशिप करके बैठा हुआ है लेट से 25% की, तो क्या मैं सेफली ये कह सकता हूँ कि एसोसिएट को मैं कभी कंसोलिडेट नहीं करता, एसोसिएट को मैं कभी कंसोलिडेट नहीं करता, मैं पता है क्या करता हूँ, उसकी एक्विटी का अपना एक प्रोपोर्शन अपने पास ले आता हूँ। यानी अब आप पेरेंट और एसोसिएट को एक एंटिटी बना के सोचें, क्योंकि ये बहुत ट्रिकी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। मैंने कहा पेरेंट और एसोसिएट को एक एज अ सिंगल बना के सोचें, तो आपको क्या लगता है कि पेरेंट एसोसिएट को अपने पास पूरा 100% लेके आता है या उसकी एक्विटी का 25% जो उसका राइट है, सर उसका राइट है? तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जब एसोसिएट ने इस इन्वेंट्री को नहीं बेचा तो क्या मैं ये कह सकता हूँ समझने के पर्सपेक्टिव से कि मेरा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इज रुपीज
इज ₹50। ये बात तो तय हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कह रहा हूँ कसम खुदा की अनरियलाइज प्रॉफिट 50 है, बट मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि ये अनरियलाइज प्रॉफिट 50 का जो एसोसिएट की बुक्स में पड़ा हुआ है, आप इसको अपने पास वापस घुमा के पूरा लेकर आते हैं या इसका होल्डिंग परसेंटेज? सर इसका होल्डिंग परसेंटेज, तो इसीलिए आपको ये इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट्स में ये कह रहा है IFRS 3 IS 28 के वेन एवर यू पार्क इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट्स, तो उसमें देख लेना कहीं पेरेंट और एसोसिएट की ट्रांजैक्शन तो नहीं है। तो उसमें सबसे पहले तुम्हारा काम होगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालना। इस केस में मेरा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 100% है 50, क्योंकि एसोसिएट ने एक रुपए का माल भी आगे नहीं बेचा, क्योंकि जो आपका प्रॉफिट है उसकी इन्वेंट्री में जाके चिपक गया है। पर मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि क्या आप लोग वो प्रॉफिट 100% अपने पास लेके आते हैं या उसकी इक्विटी का होल्डिंग परसेंटेज है? होल्डिंग परसेंटेज तो वो कहता ही है कि आपने अभी जो एडजस्टमेंट पार्क करनी है वो पूरे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की पार्क नहीं करनी है, उसके होल्डिंग परसेंटेज की पार्क करनी है। तो मैं अगर यहाँ पे कहूँ कि मेरे पास मेरी होल्डिंग परसेंटेज कितनी है भाई, मेरी होल्डिंग परसेंटेज है यानी मैं एसोसिएट को होल्ड करता हूँ कितना परसेंट, 25%। तो मैं यहाँ पर जो एडजस्टमेंट पार्क करूँगा कोई 50 के 25% की, या क्योंकि देखो लॉजिकल बात है, आप अगर देखो तभी तो मैंने दोनों फिनोमिना यहाँ पे बनाए भाई। आप जब कंसोलिडेशन कर रहे होते हो, कंसोलिडेशन 100% होती है, वहाँ पे जो आपके 100 का प्रॉफिट है उसकी इन्वेंट्री में 100% होता है, वो पूरी कंसोलिडेट होती है तो 50 ग्रुप में रह जाता है। पर यहाँ पे अगर सोचो तो क्या आप ये बात मानते हैं कि आपके जो 50 का प्रॉफिट उसकी इन्वेंट्री में जाके जो चुपका है, तो आप उसके नेट एसेट से पूरा लेकर आ रहे हो या अपना हिस्सा लेकर आ रहे हो? सर अपना हिस्सा लेकर आ रहे हो, तो अपना हिस्सा आपका कितना हिस्सा है? 25% है। तो ओवर स्टेटमेंट पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बज भी कितने की गई है? सर 25% की। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि आप पहले वही काम करें आसानी के लिए कि जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है पहले वो निकाल लें, फिर अपने आप से सवाल पूछें अरे यार ये तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट पूरा तो हटेगा ही नहीं, क्योंकि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट पूरा तब हटता है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, पूरा तब हटाया जाता है जब आप ये कहें कि कंसोलिडेशन हो रही है। यहाँ पे एसोसिएट कंसोलिडेट नहीं होती, उसकी इक्विटी की प्रोपोर्शनेट अकाउंटिंग होती है। तो फॉर द पर्पस कि आप प्रोपोर्शनेटली उसको हटाएंगे, तो उस प्रोपोर्शनेट चीज़ को हटाने के लिए आप होल्डिंग परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि आपने जब पहली चीज की होगी कि नेट एसेट्स में से अपना हिस्सा लेकर आए होंगे, तो इनिशियल एंट्री आपने क्या बनाई होगी? इनिशियल एंट्री प्लीज सुनिएगा, इनिशियल एंट्री आपने ये बनाई होगी इन्वेस्टमेंट डेबिट और शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्रेडिट। कितने से? सर एक्स वाई जी अमाउंट से बना ली होगी। सही है जी, हमने कहा एक्स वाई जी अमाउंट से बना ली होगी। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज अ वेरी टेक्निकल पार्ट, आपने बड़ा फोकस होकर सुनना है। ये आ गया शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये एंट्री आपने इनिशियली बनाई थी। पर मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है, क्या बच्चों ये बात मानते हो कि जब आपने ये एंट्री बनाई होगी तो इसके साथ साथ पूरे प्रॉफिट के साथ साथ आप क्या अपने पास 50 वापस लेकर आए थे या उसका 25%? सर उसका 25%। तो मैं आपसे ये पूछता हूं, जब आप करेक्टिंग एंट्री बनाएंगे, सही जी करेक्टिंग एंट्री बनाएंगे, तो उस करेक्टिंग एंट्री के अंदर बच्चों आप क्या करेंगे? आपकी एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी जो अभी मैं सिखा रहा हूं? सर उसमें आप इन्वेस्टमेंट को कर देंगे क्रेडिट और ग्रुप रिजर्व को डेबिट। कितने से? 12.5 से। यानी अगर मैं आपको सवाल सॉल्व करने का फिनोमिना सिखा दूं ना, तो आप बोलेंगे वाह सर मतलब बेहतरीन हो गया, अब हम क्लिक कर देंगे इसको। सुनो, सबसे पहले आप क्या बनाते हैं? ग्रुप रिजर्व। अब मैं कंसोल से इसको लिंक कर रहा हूं, उसके अंदर क्या आता है? रिटेन्ड अर्निंग ऑफ पेरेंट, रिटेन्ड अर्निंग ऑफ पेरेंट, ये आ जाता है। सही है जी, अभी तक आप एसोसिएट का नहीं सोच रहे, इसके अंदर क्या डालते हैं? पोस्ट एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी, मैंने कहा ये आ गया पोस्ट एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी, हमने कहा पोस्ट एक्विजिशन सब्सिडरी, हमने ये पार कर लिया। अच्छा इसके बाद क्या करते हैं? इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल, अगर तो कोई होती है, आपने कहा ये आ गया, इसको नेगेटिव में रख लेते हैं भाई, अगर बार्गेन परचेज गए ना तो वो भी डाल देना। अच्छा फिर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन इन्वेंट्री, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन पीपी, ये सारी चीज़ें आप करते हैं ना। और अगर हम कहते हैं एरर ऑफ पेरेंट एंटिटी, अगर उसकी कोई गलती है, एरर, सही है जी, तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, हमने ये कर लिया। इसके बाद मैंने आपको सोचने का सलीका सिखाया कि आप यहाँ पर शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड
प्रॉफिट लेकर आएंगे एसोसिएट का, ऐसा ही है एसोसिएट का, यहाँ पे लेकर आते हैं जो कि ये रहा, यहाँ से आता है, मैं यहाँ पे एरो लगाता हूँ आपके लिए, ये पूरी मैपिंग करके दे रहा हूँ आपको ताकि आपको सवाल सॉल्व करने में दुश्वारी ना हो। मैंने कहा सर अगर मैं यहाँ पे ये पार्क करूँ, इसको अलग से ही कर लेते हैं, शॉर्टकट नहीं लग रहा, हमने कहा कि सर अगर मैं यहाँ से ये निकालूँ, और मैंने कहा सर ये आ गई अमाउंट वेट के साथ, सिर्फ कनेक्शन बनाने के लिए सर इसका यहाँ से ये रहा, और सर आपने कहा फिर आपने इसको लिंक कर दिया यहाँ से, इस अमाउंट से, ये तो पहले हो चुका होगा ना। मैं तो कह रहा हूँ आप ये करें जो अब तक करते हैं, यही करवाया ना मैंने, मैं बोल रहा हूँ आप यही करें, आपको टेंशन किस बात की है कि आपने शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पार्क कर दिया, वो यहाँ आ गया ग्रुप रिजर्व में। फिर आप अपने आपसे सवाल पूछें क्या कहीं इन्वेस्टमेंट की इंपेयरमेंट तो नहीं है जो लास्ट सवाल में पार्क की थी। हमने कहा भाई चलें इंपेयरमेंट ऑफ एसोसिएट भी पार्क करें। अब आपने अपने आप से एक सवाल करना है कि क्या कोई ऐसी इन्वेंट्री तो नहीं है जो पेरेंट ने किसको बेची हो, एसोसिएट को। तो आप फिर ये करेंगे कि यार पेरेंट ने अगर एसोसिएट को इन्वेंट्री बेची तो क्या मेरा मसला अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का है या उसके भी होल्डिंग परसेंटेज का। सर उसके भी होल्डिंग परसेंटेज का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट फ्रॉम पेरेंट टू एसोसिएट, सही है, इन टू होल्डिंग परसेंटेज, जो भी चीज़ आएगी वो यहाँ से माइनस कर देना। अगेन मैं कह रहा हूँ क्योंकि देखो आप इसमें क्लब कर चुके होगे, ऊपर वो प्रॉफिट आ चुका होगा, तब उसको हटाना है ना, आपको पूरा नहीं हटाना, जितना अनरियलाइज है उसका होल्डिंग परसेंटेज हटाना है। ये लॉजिकल सी बात है कि आप जब पेरेंट सब्सिडियरी का रिलेशन देखते हैं तो पेरेंट ने सब्सिडियरी को जब कोई भी चीज़ बेची तो वो हम कहते हैं कि भाई 50 रुपये अनरियलाइज है, 50 रुपये पूरा घूम के वापस आता है तो पूरा 50 हटाता हूँ। यहाँ पे जो मेरा अनरियलाइज है 50 ही, बट क्या वापस मेरे पास घूम के पूरा 50 आ रहा है, उसका होल्डिंग परसेंटेज, होल्डिंग परसेंटेज जो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड शेयर में शामिल हो गया था, तो आप उसको नीचे से अलग से हटा देना। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं नेट एसेट्स में एडजस्टमेंट कर दूंगा, होशियारी बिल्कुल भी नहीं करना, जैसे मैं कह रहा हूँ आपने करना है। तो आपने क्या करना है कि जब पेरेंट एसोसिएट को इन्वेंट्री बेचेगा तो आपने क्या करना है, ग्रुप रिजर्व को कम कर देना है और इन्वेस्टमेंट को भी कम कर देना है। आपका सवाल मुझसे होना चाहिए सर व्हाई वी आर नॉट रिड्यूसिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री किसकी बुक्स में, एसोसिएट की बुक्स में, और एसोसिएट कौन सा आप कंसोलिडेट करते हो तो उसकी इन्वेंट्री को छेड़ोगे। तो यहाँ पर आपने जो एडजस्टमेंट पार्क करनी है वो कहाँ पे करनी है सर, इन्वेस्टमेंट के अंदर, क्योंकि उसका इम्पैक्ट आया भी इन्वेस्टमेंट के अंदर ही था। बात क्लियर है? तो एक चीज़ तो फ्रेमवर्क में क्लियर हो गई है, तय हो चुकी है सीक्वेंस। ग्रुप रिजर्व में एक पेरेंट एंटिटी का रिटेनिंग, पोस्ट एक्विजिशन इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल, और फिर जो भी एसोसिएट और जो भी पेरेंट और सब्सिडियरी की एडजस्टमेंट्स होती है वो सारी, उसके बाद सोचना एसोसिएट का, एसोसिएट का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऐड कर देंगे, इंपेयरमेंट ऑफ एसोसिएट लेस कर देंगे, फिर खत्म नहीं करेंगे, अपने आप से सवाल पूछेंगे क्या इज देयर एनी ट्रांजेक्शन फ्रॉम पेरेंट टू एसोसिएट, तो फिर क्या उसमें अनरियलाइज प्रॉफिट हटाएंगे या उसका भी होल्डिंग परसेंटेज, होल्डिंग परसेंटेज, क्योंकि आप खुद देखें यहाँ पे ओवर स्टेटमेंट पूरे प्रॉफिट की नहीं है, यानी पूरे अनरियलाइज की नहीं है, उसके भी होल्डिंग परसेंटेज की है। बात क्लियर है? अच्छा खैर, अगर यही वाइस वर्सा कर दूं कि एसोसिएट ने पेरेंट एंटिटी को बेचा हो, तो अगेन वही बात है, अब एसोसिएट ने बेचा है किसको, पेरेंट एंटिटी को, तो यहां पे मैं उसकी अगर समरी बना दूं, यहां पे मैं उसकी समरी बना दूं, अगर एसोसिएट ने पेरेंट एंटिटी को बेचा है तो क्या आप सब इस बात पर यकीन रखते हैं कि इवन दो अब प्रॉफिट किसने कमाया, एसोसिएट ने, किससे कमाया, पेरेंट से, तो अनरियलाइज प्रॉफिट वापस से, अनरियलाइज प्रॉफिट पूरा मसला नहीं है, उसका भी होल्डिंग परसेंटेज, क्योंकि अब यही प्रॉफिट किसकी बुक्स में होगा सर, एसोसिएट की बुक्स में होगा। इन्वेंट्री किसकी बुक्स में होगी, पेरेंट एंटिटी की बुक्स में होगी। पर अगेन क्या यहाँ पे जो ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट है 100% है या प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, तो इस केस के अंदर योर इन्वेस्टमेंट विल बी रिप्लेस बाय योर इन्वेंट्री, योर इन्वेस्टमेंट विल बी रिप्लेस बाय योर इन्वेंट्री। तो हम ये कह रहे हैं कि सर यहाँ पर हम टेक्निकली इन्वेंट्री लिख देंगे। सर पहले फिर इन्वेंट्री क्यों नहीं लिखी, बच्चों पहले इन्वेंट्री इसलिए नहीं लिखी थी क्योंकि पहले इन्वेंट्री किसकी बुक्स में थी सर, एसोसिएट की बुक्स में थी। अब इन्वेंट्री किसकी बुक्स में, पेरेंट की बुक्स में, तो पेरेंट भी इन्वेंट्री को कम कर सकता है। तो हमने कहा भाई जहाँ जो इन्वेस्ट जो ओवर स्टेटमेंट मौजूद है वहाँ से कटाओ। तो सर समझने की बात यह है
चाहे पेरेंट एसोसिएट को बेचे या एसोसिएट पेरेंट एंटिटी को बेचे। हल यह है कि आपने ग्रुप रिजर्व को तो कम करना है, क्योंकि ओवर स्टेटमेंट प्रॉफिट वाइज ग्रुप रिजर्व में आती है। बट अगेन, ओवर स्टेटमेंट क्या पूरे अनरियलाइज प्रॉफिट की आती है या उसके होल्डिंग परसेंटेज की? सर उसके भी होल्डिंग परसेंटेज की, क्योंकि खुद देखें कंसोलिडेशन 100% होती है, एसोसिएट की एक्विटी अकाउंटिंग होती है प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, तो एलिमिनेशंस भी प्रोपोर्शनेट बेस पे होगी। पर आपने याद रखना है कि अगर पेरेंट एसोसिएट को बेचेगा तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, और एसोसिएट पेरेंट को बेचेगा तो इन्वेंट्री कम हो जाएगी। दिस इज द कंक्लूजन। मिलते हैं जी अगली क्लास में एक सवाल के साथ, अभी भेजता हूँ। जज़ाकअल्लाह।